हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके साइट पर कोई अगर फायर का सिलेंडर है और उसके ऊपर जैसे कि ये ABC है या फिर BC है, ये अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है तो इसका क्या मीनिंग होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है ABC। अब ये ABC जो है ये इंडिकेट ये करता है कि ये जो फायर का सिलेंडर है ये डिजाइन किया गया है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी फायर को बुझाने के लिए। यानी कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका आप इस्तेमाल क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी वाली जो फायर है उसको बुझाने के लिए कर सकते हो। अब ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी वाली फायर कौन सी है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 1563 2018 के हिसाब से ये क्लास फायर क्या होती है। तो इसमें क्लास ए फायर है वो है सॉलिड मटेरियल फायर, यानी कि जैसे कि पेपर को आग लगना या फिर वुड को आग लगना, तो वो क्लास ए फायर में आता है। फिर उसके बाद है क्लास बी फायर। तो क्लास बी फायर यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड को लगने वाली जो आग है वो क्लास बी फायर में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि डीजल हो, पेट्रोल हो। और क्लास सी फायर जो है वो है फ्लेमेबल गैस फायर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो या फिर एसिटिलीन गैस हो, तो इसको अगर आग लगती है तो वो क्लास सी फायर में आती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड अगर ये तीनों जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, यानी कि क्लास ए हो, क्लास बी हो या फिर क्लास सी हो, तो इन तीनों के ऊपर जो है इस फायर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू NAPA यानी कि NAPA 10 स्टैंडर्ड के अनुसार अगर देखते हैं, तो उसमें क्लास ए फायर जो है वो सॉलिड मटेरियल फायर ही आती है, जैसे कि पेपर हो, वुड हो। लेकिन क्लास बी जो फायर है उसमें फ्लेमेबल लिक्विड या फिर गैसेस को लगने वाली जो आग है वो उसमें आती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि डीजल हो, पेट्रोल हो या फिर हाइड्रोजन गैस हो। और यहाँ पर क्लास सी जो फायर है वो है इलेक्ट्रिकल फायर, यानी कि एनर्जाइज जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको लगने वाली जो आग है वो इलेक्ट्रिकल फायर में आती है। जैसे कि कंप्यूटर को लगने वाली आग हो या फिर सर्वर को लगने वाली जो आग है, तो वो इस कैटेगरी में आती है। तो आपको ये जो डिफरेंस है ये समझना है, यानी कि अगर आप इंडिया में अगर जॉब कर रहे हो और वहां पर अगर आपके पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है और सी का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हो और वहां पर NAPA स्टैंडर्ड के अनुसार वहां पर काम हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि क्लास ए क्या है, क्लास बी क्या है और क्लास सी क्या है, जैसा कि हमने यहां पर देखा है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको यहां पर समझना है। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास फायर सिलेंडर है और जिसके ऊपर बी और सी अगर लिखा हुआ है, तो उसका क्या मीनिंग होता है, आइए जानते हैं। तो ये जो BC है ये इंडिकेट करता है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये डिजाइन किया गया है क्लास बी और क्लास सी फायर को बुझाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड आपको यहां पर पता चल गया होगा कि क्लास बी फायर क्या होती है और क्लास सी फायर क्या होती है। तो उसके ऊपर जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया अगर काम कर रहे हो और वहां पर अगर NAPA अगर आप फॉलो करते हो, तो वहां पर जो है क्लास बी फायर क्या होती है और क्लास सी फायर क्या होती है ये भी आपको यहां पर पता चल गया होगा। तो दोस्तों, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ABC और BC का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर अगर ABC या फिर BC अगर लिखा हुआ आता है, तो उस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल जो है कौन सी फायर के क्लास के ऊपर कर सकते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।